हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शास्त्रों के अनुसार आपको किन चीज़ों का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दान को हमेशा सभी धर्म और संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जन्म पत्रिका को देखने के बाद जीवन में सुख शांति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक वस्तु के दान के पीछे दान का उद्देश्य, मिलने वाला परिणाम और उसके पीछे छुपा विज्ञान होता है। अगर हम अपने ज्योतिष के अनुसार दान करें तो हमें अपने सारे दान का मिलने वाला फल जरूर मिलेगा। हम अपने जन्म कुंडली में अच्छे ग्रहों को मजबूत करने के लिए और शत्रु ग्रहों को शांत करने के लिए दान करते हैं। कब और क्यों करना चाहिए दान? अपने ग्रहों के विपरीत दान नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो अच्छे फल के जगह बुरे फल की प्राप्ति होगी। आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह उच्च राशि में हो या ग्रह उच्च की राशि में स्थित हो तो उससे जुड़ी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रह, लाल या गुलाबी रंग के पदार्थ का दान नहीं करना चाहिए। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य मेष राशि में और सिंह राशि में हो, क्योंकि सिंह राशि में होने से सूर्य स्वराशि में होता है और मेष में होने से उच्च राशि में होता है, गुड़, आटा, गेहूं, तांबा आदि चीजों का भी दान नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रह, खाने वाले पदार्थों में दूध, चावल एवं आभूषणों में चांदी एवं मोती का दान नहीं करना चाहिए। अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्र वृष राशि और कर्क राशि में हो तो इन चीजों का दान न करें, क्योंकि कर्क राशि में होने से चंद्र स्वराशि में होता है और वृष में होने से उच्च राशि में होता है। जिस जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह स्वराशि में होता है उसे किसी नल, ट्यूबवेल, कुआं, तालाब अथवा पीने वाली किसी भी वस्तु निर्माण में कभी आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करना चाहिए। यह उस जातक के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक सिद्ध होता है। मंगल ग्रह, मसूर की दाल, मिष्ठान तथा अन्य किसी भी मीठे खाद्य पदार्थ का दान नहीं करना चाहिए। अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल मेष या वृश्चिक राशि में और मकर राशि में हो तो इन चीजों का दान न करें, क्योंकि मेष या वृश्चिक राशि में होने से मंगल स्वराशि में होता है और मकर में होने से उच्च राशि में होता है। आपके घर यदि कोई भी मेहमान आए तो उन्हें कभी सौंफ खाने को न दें, अन्यथा ये व्यक्ति कभी भी किसी भी समय आपके खिलाफ कहीं पर भी कटु वचनों का प्रयोग करेगा। बुध ग्रह, हरे रंग के पदार्थ और हरे रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध मिथुन राशि या कन्या राशि में हो तो इन चीजों का दान न करें। मिथुन राशि में होने से बुध स्वर राशि में होता है और कन्या राशि में होने से उच्च राशि में होता है। बृहस्पति ग्रह, पीले रंग के पदार्थ जैसे सोना, पीतल तथा केसर, धार्मिक साहित्य या वस्तुओं आदि का दान नहीं करना चाहिए। अगर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति धनु या मीन राशि या कर्क राशि में हो तो इन चीजों का दान न करें, क्योंकि धनु या मीन राशि में होने से बृहस्पति स्वर राशि का होता है और कर्क राशि में होने से उच्च राशि का होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे समाज में मान सम्मान खत्म हो जाता है। शुक्र ग्रह, श्वेत रंग के सुगंधित पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नई खरीदी गई कोई भी वस्तु और दही, घी, मलाई इत्यादि चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे भौतिक सुखों की कमी होती है। शनि ग्रह, काले रंग के पदार्थों या कोई भी चीज जो काली हो उसका दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोहा, लकड़ी और फर्नीचर, तेल या तेल से जुड़ी सामग्री, मकान से संबंधित मटेरियल आदि का भी दान नहीं करना चाहिए। इससे निजी या सामाजिक दोनों रूप से पतन हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आपको किन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो इससे आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।